हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डॉग अल्टीमेट केयर में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम अपने डॉग का बना क्या खाना दें अपने डॉग को जिससे वो मोटा हो जाए। जी हाँ, आप अपने डॉग का खाना बना हुआ अपने डॉग को दे सकते हैं और उससे उसको मोटा भी कर सकते हैं। वे दो खाने मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा और उन खाने को जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा आपको करना क्या है। दोस्तों आप बाइक बात और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक वीडियो को अभी कर दीजिए। तो सही, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों पहले नंबर एक पर आपको करना क्या है, आपके घर पर बेसन और आटे की रोटी मिक्स करके बनानी है और वो अपने डॉग को दही में मिला के वो दे देनी है। दही में मिलाकर देने से क्या होगा दोस्तों, एक तो दही उसका जो है डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक रखेगी और जो अपना बेसन होता है उसके में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और उसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा होते हैं, जिससे आपकी बॉडी डॉग को प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिलेगा और उसकी बॉडी मोटी होना वो मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि। और दूसरा दोस्तों, ये थोड़ा नॉन वेज का होता है लेकिन बिल्कुल चीप रेट में है ये भी। इसमें आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको राइस लेने होते हैं और जो आपके यहाँ पे चिकन शॉप होता है आपको उसके पास जाना है और उसको जाके बोलना है भैया मुझको मुर्गे की या बटरी की छांटन दे दे। छांटन का मतलब होता है जो उसके ऊपर सफ़ेद सी चिकन के ऊपर सफ़ेद सी चमड़ी होती है उसको छांटन बोलते हैं। वो जो बिल्कुल उसको वेस्टेज में ही होता है चिकन शॉप वाले, तो चिकन शॉप वाले को सेल नहीं करते, लेकिन वही बात है अगर आप उसके पास जाएंगे आप उसको प्रेफर करेंगे तो वो आपको 20 या 30 रुपये में 1 किलो 1.5 किलो दे देगा। हमारे यहाँ पे 15 रुपये किलो मिल जाती है। तो वो आपने लाटे ले जानी है और अपने राइस में मिक्स करके वो उसको उबालनी है और उबालने के बाद वो जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप देखेंगे, तो वो उबलने के बाद जो होगा तो आप देखेंगे उसके ऊपर इतना चिकनापन आ जाएगा, रॉयल टेन फीड में भी नहीं होता है। अपने डॉग को कंपलसरी आप 15 दिन देखिए, डेली ये चीज़ें देखिए, देखिए आपका डॉग इतना मोटा हो जाएगा दोस्तों, आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो लगी कैसी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट करके हमें बताएं हम अपनी नई वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। अच्छा दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।